हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी अड्डा। सो आज का टॉपिक है नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें अगर इन शॉर्ट में बोलने को कहा जाए तो फिर जो इसका आउटपुट होता है वो इनफेज होता है इनपुट से। सो आगे मैं इसको डिस्कस करूँगी, तो मैं फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ। द ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़ टू इनपुट टर्मिनल। हमें तो पता है कि इसको टू इनपुट टर्मिनल होते हैं। जो माइनस होता है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, और जो पॉजिटिव होता है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। मैंने आगे वही कहा है कि वन इज इन्वर्टिंग डिनोटेड विथ माइनस साइन एंड अदर इज नॉन इन्वर्टिंग डिनोटेड विथ ये पॉजिटिव साइन। इट डज नॉट चेंज इट्स पोलारिटी व्हेन इट्स गेट एम्पलीफाइड एट द आउटपुट टर्मिनल। यानी कि जब ये आउटपुट में हमें जो सिग्नल देता है तो उसका जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होता, यानी कि पोलैरिटी चेंज नहीं होता। अब इसमें कैसे कहा गया कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल में क्या होता था, इन्वर्टिंग टर्मिनल में अगर हमने नेगेटिव इनपुट दिया तो आउटपुट में पॉजिटिव मिलता था, और अगर पॉजिटिव इनपुट दिया तो आउटपुट में नेगेटिव मिलता था। पर इसमें ऐसा नहीं है। नॉन इन्वर्टिंग का मतलब है कि वो इन्वर्ट नहीं करता। याद रखने के लिए बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि नॉन इन्वर्टिंग में चेंज होता है कि नहीं होता पोलैरिटी। तो फिर इसमें बस आप इतना याद रखिए कि नॉन इन्वर्टिंग यानी कि वो चेंज नहीं करता पोलैरिटी, और इन्वर्टिंग यानी कि वो पोलैरिटी चेंज करता है। अब इसमें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है यानी कि वो पोलैरिटी चेंज नहीं करेगा। अगर हमने इसे प्लस दिया इनपुट में तो ये आउटपुट में भी प्लस ही मिलेगा। अगर माइनस दिया तो आउटपुट में ही माइनस ही मिलेगा। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग यानी कि जो चेंज नहीं करता पोलैरिटी, और इन्वर्टिंग यानी कि पोलैरिटी चेंज करता है। इट इज़ कॉमनली यूज इन सर्किट बिकॉज इट हैज़ बेटर फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी। ये कॉमनली यूज होता है सर्किट में क्योंकि इट हैज़ बेटर फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी। अब कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं विथ फीडबैक लूप। सो कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, ये तो है इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये हमें इसे दिया है फीडबैक रजिस्टर। यहाँ से जाएगा फीडबैक करंट, जाएगा यहाँ पर I1 I2 इनपुट, और ये V1 जो है वो इसका वोल्टेज। सो हियर इन दिस अबव सर्किट वी कनेक्टेड एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1। जैसे कि मैंने बताया कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है, एंड फीडबैक रेजिस्टेंस RF, और ये जो फीडबैक रेजिस्टेंस है RF ज्वाइन किया है एट इन्वर्टिंग टर्मिनल, सॉरी इन्वर्टिंग इनपुट को हमने ये दो ज्वाइन किया है, एक ये R1 यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये RF यानी कि फीडबैक रेजिस्टेंस। बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ वी गेट, हमने अगर इस सर्किट को किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू V0 माइनस V1 अपॉन RF। इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पर जो V1 है, मैंने आपको बताना भूल गई कि V1 क्या है। सो V1 इज अप्लाइड वोल्टेज टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल। जो V1 है ये क्या है, अप्लाइड वोल्टेज टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल, जो माइनस है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल। सो नाउ इफ यू अज्यूम दैट ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट इज आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, देन अगर हमने कंसिडर किया कि ये जो एम्पलीफायर है, ये जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है, ये आइडियल है, तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होता है कि जो V1 होता है इज इक्वल्स टू VI होता है। तो फिर अगर हमने यहाँ पर कंसिडर किया कि V1 इज इक्वल्स टू VI, सो क्या होगा, जो इक्वेशन 1 होगा तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से जो V1 है उसके जगह पर अगर हमने VI लिख दिया, अगर उसके जगह पर हमने VI लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि V1 इज इक्वल्स टू VI हमने माना है, वो जो आइडियल केस में होता है। तो फिर अगर हमने V1 की जगह पर VI लिख दिया तो फिर हमें क्या मिलता है, VI अपॉन R1 इज इक्वल्स टू V0 माइनस VI अपॉन RF। अब आगे क्या करना है हमें, ये जो तो हमने क्या किया, जो RF है उसे हमने इधर सेंड कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, VI इंटू RF अपॉन R1 इज इक्वल्स टू V0 माइनस VI। तो अब क्या करना है, तो जो VI है उसे इधर लेना है, और इस सारे टर्म को हमें लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पर 1 क्यों आया, क्योंकि ये VI और ये VI हमने कॉमन निकाला, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा, 1 प्लस ये RF अपॉन R1। सो ये तो हमें मिल गया आउटपुट वोल्टेज। सो इसमें क्या कहा गया है कि दिस टर्म डज नॉट कंटेन एनी नेगेटिव पार्ट, हेंस इट प्रूव्स दैट इनपुट सिग्नल टू द सर्किट गेट एम्पलीफाइड विदाउट चेंजिंग इट्स पोलैरिटी एट द आउटपुट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, सो इसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, यानी कि अगर हमने पॉजिटिव दिया है सिग्नल इनपुट में तो वो आउटपुट में पॉजिटिव ही मिलेगा अगर
नेगेटिव दिया है तो आउटपुट में भी नेगेटिव ही मिलेगा। सो ये तो मिल गया हमें आउटपुट वोल्टेज। सो अब हमें गेन निकालना है, तो गेन तो हमें पता ही है, गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। सो अब हम क्या करते हैं, ये आउटपुट वोल्टेज को है तो अपॉन ये वाला जो वी आई है यानी कि इनपुट वोल्टेज, जिसे हम इस तरह से नीचे लिख लेंगे, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन। तो ये मिल गया हमारा गेन, और गेन किससे डिनोटेड करते हैं, ए से। सो क्लोज लूप गेन करंट इज ए इज इक्वल्स टू वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन। सो यहाँ पर क्या होता है, दो कंडीशन होते हैं, व्हेन आर एफ इज इक्वल टू जीरो एंड व्हेन आर वन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो अगर हमने आर एफ इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो हमें वन ही मिलेगा, और आर वन इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट किया तो भी हमें वन ही मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का डिफरेंस समझ में आया होगा, आपको याद करने में आसान जाएगा, और आप एग्जाम में यही डेरिवेशन लिख सकते हैं। सो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।